फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और मुझे फॉलो करो। तो हम एक ड्राइंग करने वाले आज, और वो ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखाऊंगी। और हमें वो बहुत ईजीली कर सकते हैं, मैं आपको ईजी आइडिया दूंगी उसके लिए। और वो ड्राइंग हमें एक पेपर पर करने का है। ओके, आप कौन सा भी कलर ले सकते हैं, येलो, रेड, ब्लैक एंड वाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो वो ड्राइंग है मैंने ब्लैक एंड वाइट में करी। तो ये फ्लावर्स है, ये आप कहाँ भी घूमने को जाएंगे उस टाइम आप शेड देख सकते हैं। तो आप ये शेड में भी कर सकते हैं, ये मैंने ब्लैक एंड वाइट में किया है। आज मैं ब्लैक एंड वाइट में ही करके वाली हूँ आपको दिखाते हुए। और ये थ्री फ्लावर्स, इसके लिए हमें चाहिए कप, थ्री कप्स चाहिए हमें। और एक कंटेनर जिसमें पानी है, एक सीजर, एक बॉक्स पेंट का, और हमें चाहिए एक कपड़ा। तो ये सब हमें चाहिए। और एक पेंट का ब्रश चाहिए, फॉर ईयरबड्स, बस इतना सब बहुत। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा ये ड्राइंग करने के लिए। उसके लिए एक पेपर भी लग रहा है, ये है हमारा आज का पेपर, बहुत बड़ा है। हम बिग साइज के जंबो बुक का ड्राइंग पेपर भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे थ्री कप्स, उसको मार्क करेंगे, पहला बहुत ऊपर, फिर थोड़ा नीचे और उसके नीचे। तो हमें इसको इधर तक कट कर, तो हमने ये कट कर लिया है, ये कुछ इस तरह से हो गया। और इन दो कप को भी करने का है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि हम कौन से भी कलर्स लेते हैं। मैं ब्लैक और वाइट ले रही, आप ऑरेंज और येलो ले सकते हैं, ब्लू और लाइट ब्लू ले सकते हैं। कुछ आपको ये तीन कलर में से कोई भी कलर ले सकते हैं, और आपका जो मनपसंद कलर और उसका शेड भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं कलर निकालने वाली मेरा, तो ये ब्लैक कलर है, मैं पहले ब्लैक निकालने वाली फिर उसके बाद वाइट। ओके, तो मैंने बोला था पहले ब्लैक निकालने वाली। थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लो, नहीं तो फिर से मिक्सिंग के बाद
अलग अलग कलर होगा तो मुश्किल हो जाएगा कलर करने को। और व्हाइट और ब्लैक दूर दूर निकल। और इस कंटेनर से पानी लेके इस पर डाल देना, क्योंकि हमें इसको मिक्स करने का है। और ओके, तो मैंने आपको बोला था कि ये मिक्स कर लेना। ओके, तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक ध्यान रखना, जो ब्रश हमने व्हाइट में यूज़ किया है वो फिर से ब्लैक में नहीं यूज़ करना, क्योंकि व्हाइट में ब्लैक मिक्स किया तो ग्रे हो जाता है। हमें ग्रे कलर नहीं चाहिए, प्योर व्हाइट और प्योर ब्लैक ही चाहिए। और हम ये ब्रश जो व्हाइट में यूज़ किया था वो हम धो लेते। और अब हम ये ब्रश कपड़े को पोंछेंगे, अच्छी तरह से पोंछ लेना। अब हम ब्लैक मिक्स करेंगे। अगर पानी कम पड़ा तो हम दूसरे ब्रश से ले सकते। ध्यान रखना ये तो मिक्स होने नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रे कलर बन जाएगा और हमारे ड्राइंग को ग्रे कलर नहीं चाहिए। ओके, इसलिए मैंने बड़ी प्लेट ली। तो मैंने ये कर लिया, अब हम इसको धो लेते हैं। ये कलर, अब ये कलर हम मज में रख देते हैं। ओके, और अब हम ये कफ ले लेते हैं। उसके पहले हमें चाहिए एक पेंसिल। ओके, तो ये पेंसिल से हम थ्री डॉट्स कर लेते हैं, मतलब इस पर ये तीन फ्लावर्स बना लेते हैं। तो उसके लिए डॉट्स चाहिए हमें थ्री, फिर उसके लिए हम इस पर पहले डॉट्स करेंगे, एक नीचे एक थोड़ा ऊपर और उसके ऊपर। और हमारा फ्लावर इतना बड़ा रहेगा, उसके लिए हमने कप लिया। ओके, पहले हम लेंगे एकदम छोटा कप और उसको पानी में नहीं भिगाने का है हमें, क्योंकि वो पानी में भीग गया तो वो खराब हो जाए, इसी कारण हमने। फिर पहले हम ब्लैक यूज करेंगे, फिर व्हाइट यूज करेंगे। ओके, और एक ध्यान में रखना, छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा। फिर हम पहले ये छोटा इधर रखेंगे, फिर उसके बाद वो उससे छोटा वाला
सॉरी बड़ा वाला, फिर उसके बाद बड़ा, ओके okay? कुछ ऐसे तरीका हमारे ड्राइंग, ओके okay? अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा ड्राइंग। तो मुझे ऐसे लगता है ये ब्लैक में थोड़ा पानी चाहिए, तो मैं पानी डालूंगी थोड़ा। पानी कम मत होने देना क्योंकि ये हमें ड्राइंग के लिए यूज़ होता है।